AOA ma'am, walaikum assalam. Sometimes I feel like I'm telling lie when I express my feelings. What is it that? कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं लेकिन हमें लगता है कि जैसे हमारी फीलिंग्स जो हैं वो दूसरों को फील हो रहा है कि झूठे हैं या फिर मुझे लगता है कि मेरी ये फीलिंग्स जो हैं ये नेचुरल नहीं है, असल में नहीं है, मैं शायद जो कह रही हूँ वो वैसा महसूस नहीं कर रही हूँ। तो ये जो सोच है इसके पीछे बैक ऑफ द माइंड आपके क्या चल रहा है, असल में वो चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ऐसा है कि लोग अक्सर आपकी फीलिंग्स को गैर अहम समझते हैं और आपको डीवैल्यू करते हैं तो फिर ऐसी सोच आ सकती है। इसके अलावा भी कई रीजंस हो सकते हैं, तो अपने रीजंस पे काम करना है और साथ ही साथ अपना सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रांग बनाना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दूसरे जो भी सोचें आपके बारे में, जो कुछ भी कहें, लेकिन आपका अपना व्यू जो है अपने बारे में वो बहुत अहम होता है, उसको पॉजिटिव होना चाहिए, हर सूरत में पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके ऊपर आप फोकस करो और आप सेशन ले लो, अगर आप के कोई और रीजंस हैं तो उसके ऊपर भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। नाइस प्रेजेंटेशन, बहुत शुक्रिया। नॉट हैप्पी विद लाइफ बिकॉज ऑफ फेलियर इन स्टडी। देखिए, स्टडी जो है ये आपकी ज़िंदगी का एक आस्पेक्ट है, आप पढ़ रहे हो, आपने उसके बाद पढ़ाई को यूज़ करना है, ये आपकी ज़िंदगी का एक आस्पेक्ट है। पढ़ के भी इंसान जो है वो सिर्फ पढ़ाई के साथ ही कुछ नहीं कर पाता, उसके साथ उसकी अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, ये सब भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फेल हो जाना दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट कि आप उसके बेसिस पर अपने आप को जो है खुश ना रख पाएं। ज़िंदगी में खुश रहने के लिए और भी बहुत सारे तरीके और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको खुश रख सकती हैं, और जब आप अपने आप को अदरवाइज़ खुश रखना शुरू करोगे तो फिर आप देखोगे कि आपके जो पढ़ाई में इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और आप बेहतर फील करना शुरू हो जाओगे। पढ़ाई के इश्यूज़ को अदरवाइज़ रिजॉल्व करने के लिए आप उनको लिखो और उनका सोल्यूशन निकालो, और अगर गाइडेंस लेना चाहो तो हम गाइडेंस भी दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ दो चीज़ों को लेके और बहुत डिप्रेस हो जाती हूँ, माइंड से वो बात नहीं जाती और कभी कभी रिग्रेट भी होता है कि ये चीज़ नहीं करनी थी, उसे भी डिप्रेस हो जाती हूँ। दो चीज़ों के हवाले से आपने बात की कि आप दो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हो और कंफ्यूज हो जाते हो। आप कंफ्यूज होते हो तो इनको लिखो, लिख के देखो कि उनमें क्या इश्यूज़ हैं जो कि आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, और उन इश्यूज़ का सोल्यूशन निकालो। साथ आप कहते हो रिग्रेट भी कई दफ़ा होता है, कुछ ऐसे बातें होंगी पास्ट की जो कि आपको तकलीफ देती हैं, तो उन बातों के हवाले से आपने आपको सबसे पहले तो यही क्लियर करना है कि डिप्रेशन आपको तभी होता है पास्ट की किसी चीज़ से रिलेटेड जब इश्यूज आपके ऊपर हावी हो जाते हैं और आप उनसे रिग्रेट या गिल्ट महसूस करना शुरू हो जाते हो। तो अपने रिग्रेट्स को आपने आज ही ख़त्म कर देना, इसलिए कि रिग्रेट्स जो हैं ये आपको कुछ भी नहीं देते हैं। आपने बजाय इसके बजाय आपने अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को इस नज़रिए से लेना है कि मैं उनसे सीख रही हूँ, उनसे सीखा और आइंदा वो अमल ना करने के लिए अपने आप को तैयार किया बजाय इसके के रिग्रेट्स महसूस किए। तो पास्ट जो है ये सिर्फ सीखने के लिए होता है, इसको आपने रिग्रेट्स के लिए नहीं रखना। आज ही अपने आप को ये बताना है कि मुझे अब रिग्रेट्स को नहीं लेकर चलना अपनी ज़िंदगी। हेलो म्यूजिक, अच्छा सॉरी, हेलो, मसल ट्विचिंग आल्सो हैपेंस इन एंजाइटी, मसल्स बीटिंग। जी बिल्कुल, एंजाइटी में आपकी बॉडी में सिम्टम्स महसूस होते हैं, तो बॉडी में सिम्टम्स कई दफ़ा मसल्स में भी महसूस होते हैं, उसमें ट्विचिंग या उसमें मसल्स जो हैं वो आपको थोड़ा सा हिलते हुए वाइब्रेट करते हुए महसूस होंगे। तो ये सिम्टम्स जो हैं एंजाइटी के साथ अक्सर होते हैं। आपने इस पर सबसे पहले तो परेशान नहीं होना, अपने आप को रिलैक्स करना है। दूसरा, उस वक्त पे जिस मसल में फील हो रहे हैं उस मसल को ढीला छोड़ें, आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स रहने की जब उन्हें आदत हो जाएगी तो वो बेहतर महसूस करेंगे और आप भी बेहतर महसूस करोगे। फियर ऑफ डेथ एंड लव्ड वंस एंड हाउ कैन आई रिड्यूस दिस फियर।
देखिए, फियर को ख़त्म करने के लिए आपको फियर को डिसेंसिटाइज करना होता है, उसके लिए आपको अपनी सोच को क्लैरिटी देनी होती है और अपने फियर वाले इमोशंस को स्टेबलाइज करना होता है, अपने आप को रिलैक्स करना होता है। सबसे पहले आप अपने रिलैक्सेशन पे फोकस करो, उसके साथ साथ फिर आप अगर थेरेपी ले लो तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको गाइड कर दिया जाएगा कि आप किस तरह से अपने लव्ड वंस या अपनी डेथ के फियर को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो और बेहतर बना सकते हो अपने आप को। आपने CBT में डिप्रेशन क्यों होता है ये मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अजर दे, आमीन, बहुत शुक्रिया। जी, मैं मेरी सिस्टर की एज तकरीबन 14 साल है, लेकिन उसकी सब कुछ 5-6 साल के बच्चों की तरह है, क्या इसका इलाज पॉसिबल है? देखिए, इसका इलाज जो है वो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसकी क्योर ऐसी नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेकर चल सकते हैं, यानी बच्ची जो है वो अपनी ज़िंदगी को लेकर अच्छे तरीके से चल सकती है। उसके लिए उसे प्रॉपर सेशंस की, प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे सोसाइटी में बहुत से स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं जो कि इस तरह जिन बच्चों को इस तरह के इश्यूज़ होते हैं उनको ट्रीट करते हैं, ट्रेन करते हैं। लेकिन वहाँ पे फिर स्कूल में एडमिशन कराना होता है और वहाँ पे वो ट्रेनिंग दी जाती है। तो अदरवाइज़ आप घर पे उनकी टीचर्स की गाइडेंस में आप ट्रेनिंग अपने बच्चों को या अपने बहन भाइयों को दे सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए अगर कोई टिप्स चाहो तो टिप्स उसके लिए नहीं दी जा सकती, ये प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है इनको। मेरा बेटा 4 साल का है, सही बात नहीं कर सकता। देखिए, उसके लिए यकीनन आपने उसके फिज़िकल चेकअप्स वगैरह करवा लिए होंगे कि उसकी ज़बान का तो कोई इशू नहीं है या उसके हेयरिंग का तो कोई इशू नहीं है। अगर ये सब इश्यूज़ नहीं है और 4 साल का सही तरह बात नहीं कर सकता, तो एंग्जाइटी का इशू भी हो सकता है उसके अंदर, वो एंग्शियस पर्सनैलिटी उसकी हो सकती है। तो उसके लिए आप उसको क्लिनिक में ले आएँ और हम उसको चेक करके आपको गाइडेंस दे सकते हैं कि वो किस तरह से बात बेहतर तरीके से करने के काबिल हो सकता है। और ये गाइडेंस जो होती है मोस्टली वालदैन को दी जाती है बच्चे के हवाले से, तो आप उसको अगर ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इसके साथ ही आज के सेशन का टाइम ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे, आपके बाकी के क्वेश्चंस जो हैं उनके जवाब हम इंशाल्लाह ताला आपको दे देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।